तो अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर से बीच ट्रैवल में है। करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस और अब एयर इंडिया भी है। अगर आप होटलों में रुकते हैं, ताज होटल्स टाटा के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डलता है, टाटा सॉल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी। लेकिन आज बात कर लेते हैं उन रतन टाटा की, जो रतन टाटा 86 साल की उम्र में दुनिया को और देश भर को अलविदा कह देते हैं। लेकिन रतन टाटा का आखिरकार, जैसे कि आप जानते हैं कि हजारों ब्रांड टाटा मोटर्स में चलते हैं, और यही नहीं कई सौ ब्रांड टाटा नमक में भी देखे होंगे आपने, कि जैसे कि टाटा नमक, टाटा टी, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, और यही नहीं बहुत ज़्यादा टाटा के नाम से मशहूर होने वाले वो रतन टाटा जो 86 साल की उम्र में देश भर को अलविदा कह देते हैं। आखिरकार उनके ऐसे कड़े फैसले ज़िंदगी में क्या रहे, जिनको आप सुनकर हैरत होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में देश भर को अलविदा कह डाला, आखिरकार उस टाइम पर उनकी आखिरी इच्छा क्या रही होगी रतन टाटा की, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आखिरकार देश भर में लोगों के ये कुछ सवाल उठ रहे हैं कि रतन टाटा ने आखिरकार शादी क्यों नहीं की, और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि रतन टाटा ने आखिरकार अपने, जिस टाइम पर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस टाइम पर तमाम मजहब के धर्मगुरु क्यों मौजूद थे, और ये देखा जा रहा है कि उसमें सिख धर्मगुरु मौजूद थे, ईसाई धर्मगुरु मौजूद थे, संत बाबा धर्मगुरु मौजूद थे और मुस्लिम मौलाना धर्मगुरु मौजूद थे। और यही नहीं दोस्तों, वहाँ पर उन लोगों ने खड़े होकर ये नहीं कि शोभा बढ़ाई हो, वहाँ पर उन लोगों ने अपने अपने मजहब के ताल्लुक से उन्होंने प्रार्थना की होगी। और ये नहीं, सवाल ये भी उठ रहा कि रतन टाटा ने आखिरकार, रतन टाटा संपत्ति किसकी रहेगी आखिरकार, इसको लेकर ज़्यादातर सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिरकार रतन टाटा जब 86 साल में देश भर को अलविदा कह रहे थे, उस टाइम पर जैसे कि आप देख रहे हैं देश भर में इतनी दंगाइयाँ और जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, और यही नहीं आखिरकार इनको सबको बुलाने का आखिर मकसद क्या था रतन टाटा का। और देखा यह जा रहा है कि जिस वक्त पर रतन टाटा आखिरी सांस ले रहे थे, तो उन्होंने कुछ सवाल ज़रूर रखे जिसे सोचकर आप हैरत होने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रतन टाटा ने इन धर्मगुरु को क्यों बुलाया, आखिरकार ये सब मिलकर एकजुट इस देश में अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। आखिरकार देखा होगा कि रतन टाटा अपनी ज़िंदगी में जो फैसला लेते थे, उस फैसले पर हमेशा खड़े रहते थे। और यही नहीं दोस्तों, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि रतन टाटा ने आखिरकार शादी क्यों नहीं की थी, और शादी करने की कोशिश भी क्यों नहीं की थी आखिरकार, क्या रतन टाटा को किसी से मोहब्बत हुई थी। और यही नहीं दोस्तों, जब रतन टाटा इस देश भर को छोड़कर चले गए, तो यही नहीं कि रतन टाटा के ख़ानदान वाले या रतन टाटा के रिश्तेदार ही गम बना रहे हैं, तो दोस्तों रतन टाटा का गम तो पूरा देश भर मना रहा है। और आखिरकार इतने यंग होने के बावजूद और 86 साल में इतनी बीमारियों से लड़ने के बावजूद इस मकाम पर, और 86 साल उन्होंने पार किए, और आखिरकार इतनी हिम्मत के साथ रतन टाटा ने अपना ये साम्राज्य बनाया जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसको देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। तो यही नहीं, जो हम सब्जी खा रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट खा रहे हैं वो रतन टाटा के ही हैं, कुछ उसमें प्रोडक्ट रतन टाटा के पाए जाते हैं। जो मोटर्स हम चला रहे हैं उसमें भी कुछ मोटर्स रतन टाटा की पाई जाती है। जो स्टील्स हम घर पे लगा रहे हैं उसमें भी रतन टाटा स्टील पाई जाती है। तो दोस्तों, यही नहीं, इस चीज़ का गम तो पूरा देश मना रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की थी, आखिरकार क्या रतन टाटा को किसी से मोहब्बत हो गई थी, आखिरकार वो मोहब्बत रतन टाटा को छोड़कर चली जाती है, उसके बाद रतन टाटा अपनी ज़िंदगी में एक इतना कड़ा फैसला ले लेते हैं, और आखिरकार अभी तक रतन टाटा ने ज़िंदगी में जो फैसला लिया, उस फैसले पर हमेशा जो रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में फैसला लिया, आखिरकार रतन टाटा उस फैसले पर हमेशा खड़े रहे। और यही देखा जा रहा है कि रतन टाटा ने इसी की वजह से अभी तक शादी नहीं की थी, और आखिरकार वो देश को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, इसका गम रतन टाटा का देश भर मना रहा है,
और आखिरकार क्यों ना मनाए। रतन टाटा उद्योगपति एक ऐसा ही नाम नहीं था, और आखिरकार उनके जो चाल चलन थे, उनकी जो सादगी थी, उनका जो मिजाज था, वो लोगों के दिलों में चुभ रहा है। हकीकत लोगों के दिलों में वो चुभ रहा है कि जो सादगी रतन टाटा की थी। तो दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि रतन टाटा कुछ समय में गाड़ी की ड्राइव खुद करते थे, आखिरकार वो मोटर्स खुद भी चलाते थे। हालांकि किसी ने ये सवाल भी किया था कि आपके पास इतनी दौलत होने के बावजूद ड्राइवर क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसका सवाल यही उठता है कि मैं अपने फैसलों पर निडर रहता हूं और जो मुझे करना है वो अपनी ज़िंदगी में करता हूं। तो दोस्तों इसका गम पूरा देशभर मना रहा है कि आखिरकार हमारे बीच से जो रतन टाटा चले गए, तो अब सिर्फ उनकी याद ही रह जाएगी, रतन टाटा मोटर्स, रतन टाटा नमक, रतन टाटा टी, रतन टाटा स्टील, ऐसे कुछ हज़ारों प्रोडक्ट्स रतन टाटा के सिर्फ रह जाएंगे। और वो रह ही गए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस टाइम पर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस टाइम पर बड़े बड़े लोग भी वहाँ पर आए थे और सब गम बना रहे थे। तो दोस्तों फिर एक वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना।